अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीरो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम 100 केजी मतलब कि ढाई मन का जो डिजिटल कांटा होता है उसका सर्किट चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को करना है सब्सक्राइब ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके और बेल के आइकन को लाजमी दबाना है। तो दोस्तों, हम इसके करते हैं वायर, बाद आप दोस्तों को बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सर्किट के बैटरी के वायर्स कनेक्शंस कर देते हैं। ये दोनों बैटरी के वायर्स हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि बैटरी के वायर्स हमने लगा दिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर के या इसके बटन के वायर्स लगाएंगे। देखते हैं, हम इसके बटन के पास पहले लगाएंगे। तो दोस्तों, हमने इसे स्विच का भी लाइन लगा दिया है, दोनों कनेक्शंस। इसके जो ट्रांसफार्मर है उसका दो वायर्स लगाएंगे। अगर आप इसके आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एलईडी फिलवक नहीं लगा है, ये ग्रिप इसके खाली हैं। तो दोस्तों, नीचे जो कांटे के नीचे जो मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है उसके वायर्स दो, एक तो माइनस दो और प्लस, इसके जरिए इस सर्किट में जाता है माइनस ये प्लस, और ये का जो भी दो वायर्स हैं वो हम यहाँ लगा देते हैं। जी तो दोस्तों, लास्ट बारी आ जाती है वायरिंग समझाने के लिए। यहाँ जो नीचे जो मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, नीचे जो हम जो वजन रखते हैं उसके नीचे जो कवर लगा हुआ है, तो उसके वायर्स चार निकलते हैं यहाँ से। ये वायर्स आप देख सकते हैं, और ये पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का है, और उसके बाद ग्रीन वायर आपको यहाँ लगाना है और वाइट वायर यहाँ लगाना है। ये दोनों वायर का भी आपको ख्याल रखना है, अगर उल्टा लगा रहा है तो मेजरिंग नहीं करेगा। ये वायर का तो वैसे ही आपको ख्याल रखना है ताकि वाइस है वो जल ना जाए। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपको ट्रांसफार्मर के वायर्स लगाने हैं जो चार्जिंग करने के लिए। ये प्लस माइनस का कोई मसला नहीं होता क्योंकि यहाँ आईसी लगा है, उसके बाद प्लस माइनस हो जाता है। ये यहाँ न्यूट्रल है इसका, तो मतलब कि एसी भी कह सकते हैं। यहाँ बैटरी के दो वायर्स, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। यहाँ आपको लगाना है स्विच ऑन ऑफ के दो वायर्स लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ आपको आप ग्रिप लगाएंगे, बटन का ग्रिप जो लगा हुआ है पेड का वो यहाँ लगाना है आपको, यहाँ एलईडी का ग्रिप लगाना है। तो दोस्तों, लास्ट बारी आ जाती है आप दोस्तों को चेक करने की। जी तो दोस्तों, इस कांटे को हमने मुकम्मल तौर फिट कर लिया। आप इसको करते हैं हम स्टार्ट, आप खुद देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ एसी के जो एलईडी है वो आपको ग्लो नज़र आएगी क्योंकि हम इसको प्लग दे रहे हैं 220 के। जैसे ही मैं 220 को लगा लिया, आप यहाँ देख सकते हैं कि एलईडी शो हो रही है। अब इस पर हम लोड रखकर भी चेक करेंगे क्या वाकई ये सही काम कर रही है या नहीं। तो दोस्तों, हमारा छोटा कारीगर यासिर अली इस पर लोड रखकर इस पर चढ़ा है, तो आप खुद देख सकते हैं। अब इस पर लोड रखते हैं कि ये माइनस में जा रही है। जितना भी हम प्राइस यहाँ लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई भी डिजिट शो नहीं हो रही, कोई भी जो प्राइस यहाँ आपको शो नहीं हो रही क्योंकि ये माइनस में जा रही है। तो मैंने जो भी वायर्स उसको टेस्ट कर लिया, लेकिन उल्टा लगा है सीधा लगा है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम इसके लोड सेल को जो नीचे लगा हुआ है लोड सेल उसको कॉल कर सीधा उल्टा लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये हमको यकीन है ये सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों, यही स्टेप आपको ख्याल से लगाना है, ख्याल से सुनना है, ताकि यही स्टेप है माइनस और प्लस का है। तो
यहाँ ही आपको उल्टा लगाएं, जैसे ही आप यूं करके बस यूं आपको फिट करना है, बस ये ही सीधा हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल हमने इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों लास्ट बारी आ जाती लास्ट चेक करने की, तो जैसे ही हमें इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इस पर जैसे ही लोड रखते हैं, अब प्लस का लोड रहा है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है हमारा कांटा, बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। जैसे मैं इस प्राइस लिख दिया, तो आप देख सकते हैं नीचे टोटल प्राइस हमें शो रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।